हमारे गांव के पास देवरिया में श्रीमान जी जायसवाल साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे, हाँ शराब माफिया कहे जाते थे। पिछले 20 साल से हमारे द्वारा रामकथा कराते कराते पिछले साल मर गए। अभी जब बरहज रुके थे ठाकुर साहब के यहाँ तो मिलने आए थे, तो दिन में तो आप जानते ही हो कि हम मिलते ही नहीं हैं, पता चला आए हैं तो रात्रि में हमने खबर कराया कि शाम को कथा के बाद कृपा करें, तो चले गए। बहुत व्यस्त रहते हैं लोग, क्योंकि ये जो काम है ना, बहुत व्यस्तता का काम है, उसमें पैसा बहुत गिनना पड़ता है। लेकिन जो पुण्यशाली जीव है उसको इस प्रकार के व्यापार से अपने को अपने बच्चों को बचाना चाहिए, ये अधर्म का मार्ग है। पैसा क्या करेंगे, खाने में काम थोड़ी आएगा, अर्थ को खाया नहीं जा सकता है। अर्थ को सुख में उपयोग कर लीजिए, जिसके लिए साहित्य में शब्द है उपभोग अथवा भोग। दान कर लीजिए, धन सुधन्य प्रथम गति जाकी, नहीं तो तीसरा करने की आवश्यकता नहीं, तीसरा अपने आप हो जाएगा। ये तो जो पत्र हमारे पास आपने भेजा है उसमें लिखा है पूज्य दादाजी, पूज्य पिताजी और बच्चे, ये तो इनका सौभाग्य है कि इनकी बुद्धि इस प्रकार है कि सत्कर्म करना चाहिए। ये तो तीन पीढ़ी, अरे आपके गांव में 1000 करोड़ क्या होता है जी, 7000 करोड़ की पार्टी है आपके यहां बाबूजी, हर्बर्ट रोड। 100 बार फोन किया मैंने कि बाबूजी का नाम संकल्पित है, कथा हो जाने दो, दक्षिणा न देना, हाँ तब भी कोई चेतना नहीं। ये सौभाग्य है हमको, जो धर्मशील लोग होते हैं। ये विष्णु जी के गांव में 10 बार मैंने कहा कथा करा लो बाबूजी के नाम, सब अझुराए हैं, गिने गिने परेशान है। ध्यान रखना, और कठोर कर रहा हूं, सत्कर्म कर जाओ जितना हो सके अपने हाथ से, नहीं तो सातवीं पीढ़ी में कोई पीने वाला आ जाएगा, जितना इकट्ठा होगा सब पी जाएगा। हमारे कानपुर में एक तिवारी परिवार है, आश्रम के लिए हम जमीन लेने गए तो उनके पास कई 1000 बीघे जमीन थी। लाला हमारे मित्र ले गए थे कि इनके पास जमीन है, आपको बहुत सुंदर जमीन दे देंगे। हमने कहा भाई दो, कितना लोगे बताओ। तो मेरे मित्र ने कहा कि महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए, सब बेच बेच पी जाते, थोड़े बची है। मैंने कहा देखो कथा के अलावा हम समझाते नहीं है, बहुत प्रेस किया हमारे मित्र ने, तो हमने पूछा तिवारी जी ऐसा क्यों करते हैं, आपके बुजुर्गों ने कितनी तपस्या से ये सब इकट्ठा किया होगा, इसका कोई सत्कर्म करिए। बात सुनिए बच्चे की, वो भाई बोला कि महाराज जी मेरे भी समझ में नहीं आता है कि हमारे पितरों ने किस किस तकनीक से जमीन इकट्ठा किया कि मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि बेचो और पियो, बेचो और पियो। आप सोच सकते हैं, आदमी अपने अपराध कर रहा है और पितरों पर आरोपण कर रहा है, बेचो और पियो, बेचो और पियो। अरे राम राम राम, चलन दो। परमार्थ यात्रा में जितना हम आप लगे रहेंगे हमारा भी मंगल होगा, पितर प्रसन्न होंगे तो परिवार का भी मंगल होगा। जितना कर सको करते रहो, इस पर एक पद है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए।
गाओ सज्जन धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे भजन धीरे अगर प्रभु से मिलेगी दिल में तमन्ना 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 दिल में तमन्ना हर से मिले दिल में तमन्ना हर से मिले दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतर करण धीरे धीरे करो शुद्ध कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है 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 मुश्किल मुश्किल नहीं कोई काम तो नहीं मुश्किल नहीं है कोई काम तो नहीं मुश्किल नहीं है जो करते रहो यत्न धीरे धीरे जो करते रहो करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की सेवा हरि जाएगा रतन धीरे धीरे मिल जाएगा रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तू मिल जाएगा सजन धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे इसका अभ्यास करना होता है।